नमस्कार, मैं कोविड हूँ, कोविड-19। आसान भाषा में आप मुझे वायरस बुला सकते हैं। कुछ महीनों पहले ही मेरा जन्म हुआ है। जन्म भी आप लोगों ने ही दिया है और मैंने उस समय कई लोगों की जान भी ले ली। तो चलिए कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ बीते हुए समय की। नमस्कार, अभी अभी सूत्रों से पता चला है कि विश्व भर में कोरोना महामारी फैलती जा रही है, जिसके चपेट में आते ही लोग मारे जा रहे हैं। इसी को देखते हुए विश्व भर के सरकार ने संपूर्ण रूप से लॉकडाउन घोषित कर दिया है। तो हमारी तमाम नागरिकों से यही अपील है कि आवश्यक काम होने पर ही घर से बाहर निकले। आज के लिए बस इतना ही। अरे भाई, कहाँ था? चल अपने घूमने जाना है। अरे भाई, पूरे शहर में लॉकडाउन है, बाहर नहीं निकल सकते, पुलिस बहुत मार रही है। अरे भाई, मैं पुलिस से नहीं डरता, देख अभी इसके सामने से कैसे निकालता हूँ। अरे ओ सवारी, कहाँ जा रही? दिखता नहीं पूरी दुनिया में लॉकडाउन और बीमारी। अरे सर, भर लॉकडाउन में किससे मिलने जा रहा था, आपसे झूठ थोड़ी ना बोलूंगा। ऑन लॉकडाउन में तुझे पकड़ा हूँ, बिना प्रसाद दिए थोड़ी ना छोड़ूंगा। अरे सर, माफ कर दो। उठ उठ, अभी मार खा। छोटी सी लापरवाही के कारण आप और आपकी सेवा करने वाला वो ऑफिसर भी मेरे चंगुल में फंस गया और कोविड-19 का शिकार हो गया। और कुछ लोगों ने तो मेरे जैसे वायरस को भी मजाक समझ कर रखा है। उन्होंने अपने आप को लेकर इतना ओवर कॉन्फिडेंस भर रखा है कि मैं कुछ हो ही नहीं। अरे ये का वायरस है? ये हम गुटखा खाने वालों को नहीं होता। मैं तो रोज योगा करती हूँ, मेरी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, ये मुझे नहीं होगा। मेरे टूथपेस्ट में तो नमक है, मुझे नहीं होने वाला। ये भगवान का प्रकोप है, उन्हें खुश करो, फिर ये किसी को नहीं होगा। ये तो सिर्फ बूढ़े लोगों को होता है, हम तो जवान है। मैं तो रोज हल्दी दूध और गिलोय जूस पीता हूँ, मुझे तो कभी नहीं होगा। इसी ओवर कॉन्फिडेंस के कारण तुम कई लोग बीमार भी हुए। तुम सभी ने कई अभियान भी चालू किए, साफ सुथरे रहने की, 2 गज दूरी बनाने की, अपने हाथ को बार बार सैनिटाइज करने की। लेकिन इन सब चीजों का कोई फायदा नहीं हुआ। तुम में से कई लोग भीड़ बनाकर रोडों पर भी उतरे और कई लोग इस समय का मजाक उड़ाते हुए मस्ती करते हुए भी नजर आए। मैडम मैडम रुको, कहाँ जा रहे हो? आपका हेलमेट और मास्क कहाँ है? घर पे क्यों? आपको दिखता है नहीं कोरोना का कितना मामला चल रहा है? कुछ नहीं है तो। अच्छा, ऐसी बात है, डालो इसको भी उसके साथ, कोरोना वायरस के साथ। मस्ती में तुम ये सब भूल गए हो कि तुम मेरे साथ किस तरह घुल गए हो। तुम्हारी इसी लापरवाही के कारण मैं तुम्हारे परिवार में भी घुस गया और तुम्हारे बच्चों, बूढ़े और जवान सबको वायरस से पीड़ित कर दिया। और मेरा बच्चा क्या कर रहा है? पढ़ रही हूँ। आ गया? हाँ, क्या लाए मेरे लिए? ओ जी, सुनते हो? अब भी बाहर से आए, पहले नहा तो लो। देख नहीं रहे हो न्यूज़ में, दुनिया भर में कोरोना वायरस फैला हुआ है। अरे मीरा, तुम भी क्या लोगों की बातों में आ गई? वायरस वायरस कुछ नहीं होता। और मेरा बच्चा? इसी गलती का तो मैं इंतजार करता हूँ और ये गलती होने के बाद मैं तुम्हें और तुम्हारे प्रियजनों को मार देता हूँ।
ये तो ज़रूरी था, पूरा इमोशनल माहौल हो चुका है। क्या वैसे आप लोगों ने पहली बार देखा है? और अगर देखा है तो मैं आपको बता दूं कि मैंने इनके जैसे करोड़ों लोगों की जान ली है। कुछ महीनों में मैंने पूरे विश्व में मरने वालों की संख्या बढ़ा दी है। और ये सब यहाँ पे ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि मैं अभी भी हूँ, अभी भी तो बहुत लोगों को इस वायरस से पीड़ित करना बाकी है। मैं अभी भी आपके हाथों में हूँ, अभी भी आपके आसपास हूँ, अभी भी आपकी हवाओं में हूँ। तो बताओ, ये सब बीमारी फैलाने से मुझे रोकेगा कौन? कौन रोकेगा मुझे इस बीमारी फैलाने से? तो आइए, जैसा कि हमें सबको पता है कि दुनिया भर की सरकारों ने वैक्सीन बना ली है, तो आज मैं और आप और हम सब मिलकर कोविड-19 के खिलाफ एक और कदम उठाएंगे।